उठ गया मेरा बेटा। ये को बोला माता जी के मंदिर एक मेन द्वार है। अभी हम चित्तौड़गढ़ में, जो आप पीछे मंदिर देख रहे हो ये हमारी कुल देवी का है। गए आपको भोले बाबा दिखाती हूँ। ये भोले बाबा है। चलो गाइस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। चलो गाइस देखो मेरे पीछे मंदिर है। देखो आपको दिखाती हूँ। इतना ठंडा मंदिर है, यहाँ पे बहुत गर्म लग रहा है। तो गाइस अभी हमने दर्शन कर लिए, राजस्थानी ड्रेस पहन के हम फोटो खिंचवाएंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से हमने यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। आप इस अवसर पर मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे मतदान के लिए? प्लीज स्पीक सम फ्यू वर्ड्स। थैंक यू। आप सभी से ये निवेदन है कि लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में आपको सबको अपने मत का उपयोग करना है और एक स्वच्छ सरकार बनाना है। उसके लिए आपको मतदान के दिन आवश्यक रूप से मतदान केंद्र पर जाएं और अवश्य मतदान करें और अपने परिवार को भी ले जाएं, आस पड़ोसी पूरे मोहल्ले को ले जाएं जिससे मतदान करने की आवश्यकता हो। पूरे सभी मतदान करें और 18 वर्ष जिनकी उम्र हो गई हो वो भी अपना नाम मतदान सूची में जुड़वाएं और मतदान करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक युवा मतदाता भी है। प्लीज सर, सर कम अप प्लीज। वन मिनट प्लीज। या आप क्योंकि हमारे युवाओं को बहुत जरूरत है कि हम उनको मतदान बूथ पर लेके जाएं। एक युवा हमारे साथ में यहाँ पर है। आप मतदान के लिए युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने मत का उपयोग करें, और हमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी जब जैसे 18 साल के हुए थे तो हम दोस्तों ने सभी ने एक साथ वोटर आईडी बनवा लिए थे, और पहला चुनाव लोकसभा में ही जो था मेरा पहला मत लोकसभा के वोट के लिए गया था। तो सभी से ये अपील करूंगा मैं कि जरूर जाएं वोट करने, अपने आस पड़ोसों को भी प्रेरित करें, और जो अक्षम है, चल नहीं पाए हैं, इस प्रकार के लोग हैं जो दिव्यांगजन है या फिर जिनके पास साधन नहीं है ले जाने के लिए, उनकी मदद करें। अगर आपके पास गाड़ियां हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर तो उन्हें अवश्य ले जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अभिषेक तंवर। कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर एमपी। अच्छा, इंदौर एमपी से हमारे बीच में अभिषेक थे। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है, युवाओं को मैसेज दिया, और उसके साथ में इन्होंने एक मैसेज दिया है कि जितने भी दिव्यांग मतदाता है उनको मतदान बूथ पर लेके जाएं। गाइस देखो, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। गाइस देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग। कहाँ मिलने का आ रहा है?